जिले की सड़कों पर कभी एक जिप्सी दौड़ा करती थी। इस जिप्सी का खौफ कुछ ऐसा था कि उसे सड़कों पर देखते ही लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिया करते थे। आज उस जिप्सी को 12 फीट के गड्ढे से बरामद किया गया है। खूंटी पुलिस ने इसे जमीन खोद कर बाहर निकाला है। यहाँ जिस जिप्सी की बात की जा रही है वह जिप्सी है PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप की, जिसे दिनेश गोप ने ही एक स्कूल के सामने 12 फीट के गड्ढे में दफन कर दिया था। दरअसल टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप से राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा 8 दिनों तक पूछताछ की गई। इस पूछताछ के बाद संगठन के रोज नए नए कारनामे उजागर हो रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को जिले के रनिया थाना के गरई स्थित विद्या विहार पब्लिक स्कूल के सामने जमीन के अंदर छिपाए गए एक जिप्सी को बरामद किया गया है। इस अभियान के दौरान बम निरोधक दस्ता के साथ झारखंड जगुआर और STF की टीमें शामिल थीं। जिले के पुलिस कप्तान अमन कुमार ने बताया कि गरई गांव के उस स्कूल का निर्माण दिनेश गोप ने ही कराया था। पहले दिनेश गोप उसी जिप्सी से क्षेत्र में अपने दस्ते के साथ घूमा करता था। नक्सलियों के खिलाफ 2014 में चलाए गए ऑपरेशन कारू के दौरान दिनेश गोप की तलाश में जुटी पुलिस टीम को जब उसके जिप्सी का पता चल गया तो वाहन को छिपाने की नीयत से उसे स्कूल के सामने लगभग 100 मीटर की दूरी पर जमीन के नीचे दफन कर दिया गया था। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।